पति पत्नी का जीवन कैसा हो, उनके जीवन में कैसा सामंजस्य हो। प्रसिद्ध संत कबीर दास जी ने अपने एक दृष्टांत के द्वारा बड़ा सुंदर व्याख्या की है। एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास आया और उनसे पूछता है, महाराज बताइए, शादी करना उचित है अथवा अनुचित। बड़ा भयंकर प्रश्न था। स्वामी जी भी थोड़ा विचार करने लगे, फिर बोले, बैठो भाई, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। उन्होंने अपने घर में पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी आकर खड़ी हो गई। तो कबीरदास जी ने पत्नी से कहा, भाई यहाँ थोड़ा अंधेरा है, हमें कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, तो आप एक दिया प्रज्वलित करके ले आए, जिससे यहाँ पर प्रकाश होगा, हम बैठ के पढ़ाई कर लेंगे अपनी। पत्नी गई अंदर से एक दिए को प्रज्वलित करके लाई और रख दिया उन्होंने वहाँ पर। अब वो जो व्यक्ति बैठा था वो बड़ा परेशान हो गया। उसने बड़े आश्चर्य से देखा और कबीरदास जी से प्रश्न किया, बोले, कबीरदास जी ये कैसे हो गया? दिन के 12 बजे हुए हैं, सर पर सूर्य है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, मगर आपने अपनी पत्नी को कहा कि यहाँ पर अंधेरा है और दीपक लेके आ जाओ, तो उन्होंने दीपक लेके आ गई। एक बार भी आपसे ये नहीं कहा कि इतने प्रकाश में आपको दीपक की क्या आवश्यकता है, आपकी पत्नी ने आपसे प्रश्न क्यों नहीं किया? तो कबीरदास जी ने कहा, तेरे प्रश्न का भी उत्तर यही है, जब पति पत्नी में ऐसा सामंजस्य हो तब विवाह या शादी उचित है, अन्यथा अनुचित है।